अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं अब तक आपने देखा सुमन की सुनी जिंदगी में उजाला करने के लिए देवेंदर चाचा के दोस्त प्रभु दयाल उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी दिला देते हैं। सुमन पहले तो घबरा जाती है पर देवेंदर चाचा के समझाने पर स्कूल जाती है जहां उसे टिक्कू और कार्तिक मिलते हैं। दूसरी तरफ विद्या बुआ कादम्बरी को सुमन के खिलाफ भड़काती है। भाभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि सुमन चली गई है, कहीं ऐसा तो नहीं किस घर के खिलाफ कोई साजिश चल रही हो उसके दिमाग में। सुमन घर पहुंचकर जब देवेंदर चाचा को बताती है कि उसकी तरह टिक्कू का भी स्कूल में आज पहला दिन था तो देवेंदर चाचा जो नहीं चाहते कि सुमन अपने अतीत की वजह से अपना भविष्य बर्बाद करे उस पर भड़क जाते हैं। मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। टिक्कू जब कादम्बरी को बताता है कि उसकी टीचर कोई और नहीं सुमन मामी है तो उसके मन में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि वो ये गांव छोड़कर कभी जाएगी भी। अब आगे तो सुमन स्कूल में पढ़ाने लगी। हाँ नानी जी, सुमन मामी स्कूल की सबसे अच्छी टीचर है। गुड्डी टीकू को अंदर ले जाओ, भूख लग रही होगी, इसे खाना खिला दो। टीकू तुझे भूख लगी है ना, चल तुझे गरम गरम पराठा खिलाती हूँ। घर छोड़ा, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी लड़की। श्याम बहादुर सुनाई नहीं दे रहा क्या? कल से टीकू को स्कूल ले जाना और ले आना तुम्हारा काम होगा। सुनाई दिया? हाँ ठीक है मालकिन। देखो सुमन, मैं साफ साफ कह रहा हूं तुम्हें उस परिवार के किसी भी सदस्य से घुलने मिलने की जरूरत नहीं। टीकू से या जो भी टीकू को स्कूल में छोड़ने आएगा। देवी क्या कह रहे हैं तू? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं हो सकता है तो स्कूल की नौकरी छोड़ेगी, लेकिन उस घर से सुमन का कोई रिश्ता नहीं। सुन लिया तुमने क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है चाचा जी, हम किसी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आप जाओ दीदी के साथ। जी। क्या ये? हाँ? खुशी भरे माहौल को तूने गमगीन बना दिया। अपने बाबूजी को हिटलर बोलता था ना तू? तुझमें दिखाई दे रहा है मुझे हिटलर आज। अरे नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहता सुमन अपने अतीत से लिपटकर अपने भविष्य को बर्बाद कर ले। सुमन को उस घर से सिर्फ परेशानियां मिल गई। सुमन का बाप हूं मैं, उसके प्रति कुछ फर्ज है मेरा। उस फर्ज को निभाने के लिए अगर मुझे कठोर बनना पड़ेगा तो मैं बनूंगा। भाभी मैं तो कहती हूं कि ये आपने बहुत ही अच्छा किया। टीकू को स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी आपने श्याम बहादुर को दे दी, वरना वो सुमन तो कार्तिक से नजदीकियां बढ़ाने में पीछे नहीं रहती। और आपको तो पता है
ऐसे कामों में वो तो बहुत ही माहिर है। बुआ जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। आप ही बताइए, सुमन को कैसे पता चलेगा कि टीकू किस स्कूल में दाखिला लेने वाला है? कितनी भोली हो तुम नंदिनी। अरे ऐसी छोटी मोटी चीजों की जानकारी हासिल करना सुमन जैसी शातिर औरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाभी, अब तो दुश्मन खुलकर सामने आ गया है, हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। तुम्हारा नाश्ता हमने टेबल पर लगा दिया, जाओ नाश्ता कर लो। जी। दादी जी, नाश्ता कर लीजिए ना। मुझे भूख नहीं है। फिर भी थोड़ा सा तो खा लीजिए, आपको दवाइयां भी खानी है ना, खाली पेट कैसे खाएंगे? थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है, पहले भी मैं बिना नाश्ते के ही दवाई खा लेती थी। इसीलिए तो आपकी बीमारी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। आप नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह सुमन, आखिर तुमने माँ को भी सुबह नाश्ता करने की आदत डाल ही दी। मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे नाश्ता दे। हाँ, और हाँ, इसने तुम्हें रात को डांटा था ना, जब तक ये तुमसे माफी नहीं मांगता इसे नाश्ता बिल्कुल मत दे। मांग लेता हूँ मैं माफी। कल भावुक तामी को ज्यादा ही कड़वा बोल गया था मैं। वही बातें मैं तुम्हें प्यार से भी समझा सकता था, लेकिन क्या करूं बेटा, कड़वा बोलने की खानदानी आदत है। अब माफ कर दो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है बेटा। नहीं चाचा जी, हमने आपकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। चलिए अंदर टेबल पर नाश्ता लगाए। जल्दी मांगी नहीं, चलो पहले मेरे को देना। आ गया, स्कूल आ गया। आ जाओ, अब अपन चलेंगे। घोड़े टक टक टक, चल मेरे घोड़े टक टक टक। नमस्ते सुमन दीदी। नमस्ते श्याम भैया। उतरिए 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 उतरिए। वो माजी ने टीकू बाबा को लाने ले जाने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। हम जानते थे माँ को हमारा कार्तिक जी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। मामी मामी, आपको पता है नानी ने ना मामा को स्कूल आने से मना कर दिया। हाँ तो तुम्हारे मामा को कितना और काम है, अगर वो तुम्हें स्कूल छोड़ने और लेने आएंगे तो उनके बाकी काम और कौन करेगा। चलो अपनी कक्षा में। के मन में सुमन को लेकर आज भी वही गुस्सा और नफरत है भैया। मैंने सोचा था माँ का मन धीरे धीरे पिघल जाएगा और वो सुमन को फिर से अपना लेंगी, लेकिन पता नहीं वो दिन वापस आएगा या नहीं। आएगा कंचन, वो दिन भी जरूर आएगा। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जानती हो ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब सुमन अपनी जिंदगी से इस तरह हार गई थी कि बात आत्महत्या तक पहुंच गई थी। लेकिन अब देखो, उसकी जिंदगी के सारे तूफान थम गए, उसने फिर से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। पर मैं पता नहीं सकता कंचन कि मुझे सुमन को इस तरह खुश देखकर
कितनी खुशी हो रही है। वक्त बदलता है कंचन, हमारा वक्त भी बदले, देखना। एक दिन माँ को अपनी गलती का एहसास जरूर हो और वो सुमन को अपना ले, और वो दिन अपने घर के लिए सबसे अच्छा दिन होगा। अरे गोलू, अभी सुमन दीदी को सुमन दीदी नहीं टीचर कहना चाहिए। नहीं, चल तू सब, अभी अभी से सुमन दीदी है ना सुमन दीदी। अरे टीको, अरे टीको, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? श्याम भैया तुमको लेने नहीं आए? नहीं, मुझे घर जाना। सुमन दीदी, अभी ये घर कैसे जाएगा? सुमन मामी, मुझे घर छोड़ दो। हाँ सुमन दीदी, आप इसे घर छोड़ दीजिए ना। लेकिन नागिक, शब्द भी मत बोलो। मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें उस परिवार के किसी भी सदस्य से घुलने मिलने की जरूरत नहीं। नहीं टीकू, हम नहीं चल पाएंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, श्याम भैया आते ही होंगे। आप इसे घर छोड़ दीजिए ना, वरना ये रोता ही रहेगा। मैं और गोलू चुपचाप घर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों ध्यान से घर जाना, हम टीकू को घर छोड़कर तुरंत आ जाएंगे। तुम अंदर जाओ। नहीं मम्मी, आप भी मेरे साथ चलिए। बेटा हम फिर कभी आएंगे, आज समय नहीं है ना। तुम घर पर जाओ, सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। नहीं, आपको अब भी मेरे साथ चलना होगा। अब घर छोड़कर क्यों चलेंगे? आपके बिना हम सबको अच्छा नहीं लगता है। आपकी बहुत याद आती है सुमन मामी। मम्मी नानी सबको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, हम फिर कभी आएंगे, अभी तुम घर पर जाओ। अच्छा, तो आप नहीं आएंगी? मैं अब भी सबको जाकर बताता। अरे टीकू, मम्मी, 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 अच्छा तो आप नहीं आएंगी? मैं अब भी सबको जाकर बताता। अरे मम्मी, 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 सुमन, टीकू को छोड़ने आई थी ना? हाँ, वो श्याम भैया उसे लेने नहीं आए तो रो रहा था, और जिद करके हमें यहाँ तक ले आया। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने मिलना तो हुआ। और तू बाहर से ही क्यों जा रही थी?
चलो अंदर चलो। नहीं कंचन, तुम जानती हो ना माँ हमें देखकर। अरे नहीं नहीं नहीं, मम्मी और बुआ जी घर में नहीं है, नंदिनी के साथ बाहर गए हैं, उनको आने में भी बहुत टाइम है, चल अंदर चल। नहीं कंचन, ये गलत है, हम जा रहे हैं। अरे मैं जाने दूंगी तब तुम जाओगी ना, चलो अंदर चलो। वो देखिए सुमन मामी आई है। सुंदर लग रही हो। जब हमें पता चला कि तुम पढ़ाने लगी हो तो हम बहुत खुश हुए, सचमुच हमें बहुत अच्छा लगा। चल बेटी अंदर चल। सुमन बिटिया चलो अंदर चलो, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, थोड़ी देर हमारे साथ रहो, कादंबरी को आने में अभी समय लगेगा। अरे अब आ भी जाओ ना अंदर, घर छोड़ दिया है तो क्या हुआ, वो तो इस घर की बहू ना, रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ है। चलो उसी रिश्ते के सहारे तो जी रहे हैं गुड्डी दीदी। ठीक है तो उसी रिश्ते की थोड़ी खुशी देने के लिए अंदर चलो, और अब अगर मना किया ना तो लगाऊंगी एक थप्पड़, बड़ी हूँ मार सकती हूँ। चलो बिटिया सुमन, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर दिख रही हो। अच्छा एक बात बता, वहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं ताई जी, वहां कोई तकलीफ नहीं, हम वहां बहुत खुश हैं। प्रभु चाचा जी भी बिल्कुल देवेंद्र चाचा जी की तरह। बिटिया जहां भी रहो खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब बातें ही करोगे या सुमन को कुछ खिलाओगे? कितने दिनों बाद सुमन घर आई है? नहीं दादी जी, हम कुछ नहीं खाएंगे। तू तो ऐसे संकोच कर रही है जैसे ये घर तेरे लिए पराया हो गया है। माना अब तू यहाँ नहीं रहती सुमन, मगर हम सब तेरे अपने हैं, इस बात को कभी मत भूलना। समझी? अब बोल कुछ खाएगी या नहीं? ठीक है खा लेंगे। ये हुई ना बात। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ सुमन, कि जब माँ का मन बदल जाएगा और वो खुद तुम्हें वापस इस घर में ले आएंगी। और वो दिन बहुत जल्द आएगा कंचन। ये लो सुमन, तुम्हारे मनपसंद मेथी के पराठे। पता नहीं आज घर में मेथी के पराठे कैसे बन गए। गुड्डी दीदी सुमन को आना था ना, इसलिए मेथी के पराठे बन गए।
सबसे अच्छी टीचर है। अच्छा अब हम चलते हैं। अगर माँ आ गई और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो फिर उनका दिल बहुत दुखेगा।